एसपी हो या डीएसपी हो या जो भी हो, आप लोग से उनसे गुजारिश है कि ऐसा मुजरिम को कड़ा से कड़ा सजा दी जाए जो जिंदगी में कभी मैंने बाहर नहीं आए, उसका लाइफ टाइम मैंने जेल में सड़ा दे। और कुछ चापर वगैरह जो यहाँ से बरामद हुआ था, दो यहाँ पर सामने से भी बरामद हुआ था, उसको भी फॉरेंसिक या कलकत्ता पुलिस की टीम जो है उसको लेकर के गई है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कल सनसनीखेज मर्डर 6 से 6:30 बजे के दरमियान में, ये गली का नाम चौरा गली आता है, 36 नंबर एरिया 36D तपसिया रोड। कैमरामैन को बोलता है इसको दिखाने के लिए, पीस टावर की बिल्डिंग है ये, वही जगह जहां पर मर्डर हुआ। आप देख सकते हैं इसको कलकत्ता पुलिस की टीम ने इसको कवर कर दिया है कि कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश ना किया जाए, इधर उधर ना जा जाए। दिन में काफ़ी बारिश होने के बाद ये काफ़ी जो है धुल चुका है, मगर इसको कलकत्ता पुलिस ने पूरा जो है अपनी तहवील में ले लिया है, इसको अंडर कवर कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर में कलकत्ता पुलिस की टीम भी बैठी हुई है, निगरानी कर रही है कि किसी कोई अंदर ना चला जाए, कोई बाहर ना चला जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, समझाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस की टीम बैठी हुई है। और एक चीज़ बताते चलो, ये वार्ड नंबर 66 है और चौरा गली 36 नंबर तपसिया का रोड आता है। यहाँ पर और भी हम सामने की तरफ फ्रंट लाइन में आते हैं, ये गाड़ी का नंबर हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कैमरामैन को, इस गाड़ी को दिखाया जाए, WB06R6988। मुजरिम कातिल इसी गाड़ी से आया था, यही गाड़ी था, दूर रहो, इस गाड़ी में टच भी हम लोग को नहीं करना है। इसी गाड़ी में तेज धार औजार लेकर के आया था, और इसमें जो धार, जो चापर या जो भी तेज धार औजार का जो इस्तेमाल हुआ था, कुछ इस गाड़ी में भी था, जो आनंदपुर जो टीम है या फॉरेंसिक की टीम है उसको लेकर के गई है। और कुछ चापर वगैरह जो यहाँ से बरामद हुआ था, दो यहाँ पर सामने से भी बरामद हुआ था, उसको भी फॉरेंसिक या कलकत्ता पुलिस की टीम जो है उसको लेकर के गई है। तो ये तो ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकर के जाना भी ठीक है, वो सब करना भी ठीक है, मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये एरिया को और एक चीज़ मैं समझाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि कैमरामैन को गुजारे मेरे साथ चले, और चल करके कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँगा। ये सामने में सीसीटीवी फुटेज है, ये सामने में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, ये सामने में जो मर्डर के एकदम बिल्कुल जगह में वो सीसीटीवी कैमरा जो है उसको दिखाया जाए, और यहीं पर मर्डर हुआ, ये एरिया कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये सबूत ना चाहते हुए भी ये सबूत छोड़ के जा चुका है, मर्डर जो कातिल है जो सबूत छोड़ करके जा चुका है। तो ये वही एरिया है, सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ भी लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है, चारों तरफ कैमरा में लगा हुआ है। ये सामने में है 36 नंबर गली, ये कहलाता है 36 नंबर गली। के बारे में दो तीन चार चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पर पूरा जो एरिया चौबागा का एरिया आता है, चौबागा के एरिया में ये सामने वाला बिल्डिंग है जो हमने बात की तफ्तीश की कंटिन्यू कल से कर रहा है, तो यहाँ पर भी किसी इंसान का जो है 2 उंगली को काट दिया गया था, काटने के बाद मुजरिम फिर छोड़ करके आया। इससे पहले और भी कुछ लोगों को हाफ मर्डर कर दिया गया, फिर वो पुलिस छूट करके आ गया। तो इस किस्म के जाए वारदात जो है वार्ड नंबर 108 पंचनलो ग्राम, मगर ये हादसा वार्ड नंबर 66 में हुआ, मगर पंचनलो ग्राम के एरिया आता है। तो जुर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मुजरिम लोग न जाने क्यों इतना जुर्म कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं बार बार कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कलकत्ता को कंट्रोल करना, एरिया को कंट्रोल करना, यहाँ के सिटीजनशिप को, यहाँ के जो भी सिटीजन है उसको अमन सुकून देना, शांति देना, मगर अमन सुकून भंग हो चुका है, इसलिए के वारदात कंटिन्यू हो रहा है। ये सारे वारदात जो हो रहे हैं वो चापर के जरिए, छुरी के जरिए, तेज धार औजार के जरिए जो हो रहा है, और इस तरीके के मामला में हो जाना बहुत अफसोसनाक बात है। इससे पहले हम लोग कसिया बागान जो है उसके मर्डर शमशेर मर्डर केस दिखा था, वो सेम स्टाइल में मर्डर था, और उससे पहले हमने जो राजा बाजार इमामुद्दीन अंसारी का मर्डर केस दिखलाया, वहाँ तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो सेम स्टाइल में था, और इससे पहले जो कैफे के सामने नसरुद्दीन शाह, वो भी चापर के जरिए मर्डर हुआ। तो इस किस्म का जिस तरीके का वारदात हो रहा है ये अफसोसनाक बात है, जांच में मुजरिम को जितना जल्दी सजा मिल जाए, हमारे सामने मौजूद है, क्या कहते हैं इसके पीछे क्या हाथ है, किन लोगों का हाथ? देखिए इसके पीछे जो है, कल जो ये जो हंसता हुआ, इसको मारने वाला यहीं का लोकल लड़का जिसका नाम अब्बास, ये जो है ये करता क्या है, नशा करता है, बाप का पैसा है, खाता पीता दो चार टो गुंडा लोग को लेकर घूरता है। इससे पहले भी इस जगह में बहुत चिंताएं किया, बहुत टैक्सी वाला को ही मारा है,
बहुत सा टैक्सी वाला के मारा, बहुत ऐसा कल करा कारखाना का लेबर लोग को भी हड़का के धड़का के बहुत पैसा कौड़ी बहुत लिया। हम लोगों के पास बहुत रिपोर्ट आया, हम लोग उसको समझाया फिर भी नहीं समझता है। और कल जो है आरिफ खान का जो मर्डर हुआ है, आरिफ खान इस एरिया का सबसे पुराना आदमी और बहुत अच्छा लड़का, बहुत समझदार लड़का, वो जो है इस एरिया के अंदर में कहीं पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होने से वो थाना में फोन कर। कितने दिनों से आरिफ खान को जानते हैं? आरिफ खान मेरा सामने पैदा ही हुआ जी, हम भी था। आरिफ खान बहुत ठंडा दिमाग का लड़का है। मेरा उम्र है 57 बरस, आरिफ खान का उम्र है 40 बरस। आरिफ खान जब पैदा हुआ, जब छोटा था, तब से वो हमसे दोस्ती किया और अभी तक इंशाल्लाह मेरा दोस्ती बरकरार है। लेकिन ये दोस्ती जो है कल जो है जुम्मा का दिन टूट गया, यानी कि फ्राइडे का दिन। मेरी बदनसीबी यही थी कि हम उसके साथ में नहीं थे, हम दूसरे जगह ड्यूटी में चले गए थे, मेरा गैर हाजिरी में ये हुआ है। और एक चीज़ बताइए, क्या उस वक्त जो समझे जैसे कि यह हादसा पेश आ रहा था कोई आदमी नहीं था? यहाँ पे आपको मोटा मोटी एक बात बताता हूँ कि इस एरिया में जितने भी लोग हैं ये लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। अगर कहीं झगड़ा लड़ाई होता है तो छुड़ाता नहीं है, छुड़ाने वाला एक सिर्फ हम थे और एक वो आरिफ खान जो इंतकाल हुआ। हम लोग हम लोग दोनों रोकथाम करते, चाहे वो कहीं आग लग जाए या कहीं मारपीट हो जाए या कोई किसी का कोई ऐसा केस हो जाए, ये दोनों हम ही लोग दोनों सॉल्व पहले करते थे। जी मेरा जो है आरिफ खान जो है उसका डाक नाम है प्यारू, मेरा नाम मंगल है, मेरा असली नाम है MD आज़ाद। हम लोग दोनों जो है हर दुख में खड़ा रहते थे। आज मेरा जोड़ी सुनने में आया है कि चौबागा वगैरह में और भी जराइम होते रहते। देखिए चौबागा 108 नंबर वार्ड है, ठीक है, मेरा वार्ड नहीं है, मेरा 66 नंबर वार्ड जहाँ पे हम खड़ा है ये 66 नंबर वार्ड, और इस एरिया है 36 नंबर, ठीक है। इस एरिया में कुछ भी होने से आरिफ खान को पहले हम बुलाते हैं कि भाई देखिए फलाना जगह लड़ाई हो रहा है, भाई जरा साहब थाना में फ़ोन कीजिए। हमने उसको पहले रिपोर्ट देते हैं कि आरिफ भाई, प्यारू बोलते हैं उसका डाक नाम प्यारू। वो पार्टी उटी करते थे? देखिए हम लोग सभी पार्टी के आदमी, हम लोग मैंने गरीब आदमी, हम लोग खट कमाने वाला है। अब रह गया देखिए झंडे के नीचे भी आप लोग? हाँ हम लोग पार्टी का झंडा का नीचे है, हम लोग तो पार्टी तो करना ही, हम लोग दीदी का ही काम। क्या था आरिफ खान? आरिफ खान पहले था प्रमोटर, आज से लेकर 10 साल आगे वो छोटा मोटा काम पकड़ता था, जैसे 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा छोटा मोटा। तो वो भी गरीब का जो है वो भी मैंने 10 साल से कोई काम नहीं है। उसका 2 बाड़ी है, एक सुभाष ग्राम में है और एक आपका जाके पूरी गली में है। ये 2 बाड़ी खुद जगह खरीद करके अपने प्रमोटर है वो बनाया, बना के टेनल लोग को जो भाड़ा दिया, टेनल लोग से जो भाड़ा जो उठता है उसके ऊपर सर पर किसका हाथ? अब्बास के ऊपर किसका सर में हाथ है वो हमको नहीं मालूम है। अब्बास 1 इडियट है, ठीक है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं अब्बास को जितना जल्दी हो गिरफ्तार किया जाए, क्या उसके वजह से इस मोहल्ला का भी लड़का लोग खराब हो जा रहा, ठीक है। उसका काम यही है कि मैंने चीज़ें कहाँ बिक्री होती है? वो नशा का चीज बहुत से जगह बिक्री होता, हम तो नशा करते नहीं है कि हम बोलेंगे, मगर वो लोग एनी टाइम नशा में रहता है। वो क्या एक तो टैबलेट मिलता है, क्या सूखने का मिलता है, हाँ जो भी मिलता है, मगर वो लोग हर टाइम नशा में रहता है। आंखें लाल, हम तो नशा भांग करते नहीं है, हम तो पानी उनी पीते हैं, मन नशा नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग 24 घंटा नशा करता है और 2-3 जो है बाहर का लड़का लोग को ला के घूरता है मोहल्ले में, उसका चिंता है वो काम कर रहा है 100 रुपया दे 50 रुपया दे इसी तरह करता है। हालांकि उसका बाप बहुत अच्छा है, इसका मोनू, उसका फादर का नाम है मोनू, अब्बास का बाप जो है बहुत अच्छा आदमी है। वो कोई 9-6 में रहता, बेटा को सुधारने पे आता, अच्छा आदमी कहा रहा? नहीं मैंने, वो सीधा साधा है, वो सीधा साधा, हाँ वो सीधा साधा है, लेकिन उसका दो लड़का में एक लड़का हीरा है। हमारा मेरा कहने का मतलब ये जो घटना जो हुआ आरिफ खान का साथ, आरिफ खान मेरा 36 नंबर एरिया का बहुत समझदार लड़का थे। हर दुख सुख में कहीं पर भी एक्सीडेंट हो या किसी का कोई मामला हो या कोई बिल्डिंग में आग लगा हो या कोई इमरजेंसी किसी का डिलीवरी हो। मंगल भाई एक चीज़ जरूर बता है कि भाई ये आदमी अच्छे थे, पार्टी के काम करते थे, तृणमूल कांग्रेस के वर्कर थे, सपोर्टर थे, जो भी थे वो काम करते थे, लोगों के दरमियान में समझिए कि बीच में काम आते थे। तो ये मंगल भाई खुद भी आते थे, दोनों का साथ था, मगर एक ही चीज़ है कि इस किस्म लोगों का मार देना, उसकी हत्या कर देना, कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है।
कि ऐसे लोग को समझिए कि साफ किया जा रहा है, जो लोग आवाज़ बुलंद करते थे नाइंसाफी के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, ऐसे आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कलकत्ता पुलिस से भी गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने भी जुर्म किया है, जिन्होंने भी कत्ल किया है, ऐसे लोग को सजाएं सख्त होनी चाहिए, फांसी पर सजाएं मिले, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, ताकि इनको इतनी सज़ा दीजिए कोई ऐसा इंसान फिर दोबारा जुर्म करने की कोशिश ना करे। अगर इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको बेल पर रिहाई मिल जाएगी, तो इसी में तो जुर्म बढ़ता है ना, यही जुर्म बढ़ता ना। हमने पहले ही बताया, लोग तो हमने तफ्तीश की, बोले हाँ वो तो कुछ लोग काम किए, हाफ मर्डर कर दिए, ये तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, टॉर्चर किए, फिर देखे कि किसके कहने पर वो छूट करके चले आ जा रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता, आयो, जिसको हम लोग केस के आयो बोलते हैं, वो लग रहा है कि वो रिपोर्ट सही पेश नहीं कर रहा है, रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो है हेरा फेरी हो रहा है। तो जो जाए वारदात में जो लोग आयो होते हैं, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सही रिपोर्ट पेश करने की। अगर इस तरीका से गलत रिपोर्ट पेश होगा या रिपोर्ट को हल्का करके पेश किया जाएगा, तो जुर्म तो बढ़ता जाएगा। ममता बनर्जी साहिबा मगरी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला बार बार कहती है पुलिस को, आपने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्होंने कहा कि पुलिस जो है गश्त करना छोड़ दिया है, पुलिस जो है पेट्रोलिंग करना छोड़ दिया है, पुलिस एरिया में घूमना छोड़ दिया है, पुलिस का डर खौफ खत्म हो रहा है। तो पुलिस को अपने अपनी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो काम है, उसमें ईमानदारी के साथ बरतना होगा। आनन फानन में पहले ये गाड़ी किस नाम से रजिस्ट्रेशन है उसको निकाला जाए, एक मिनट का काम है। आप आम आदमी भी ऐप में जैसे गाड़ी नंबर मांगेगा, कौन एड्रेस है, कहाँ से, वो एक नंबर में आ जाएगा, आम आदमी भी कर ले रहा है ये ऐप के जरिए। दूसरी तीसरी बात, इसके घर में जाए, घर में मुस्तकिल पुलिस हो, घर में किससे रबते में है, अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी के पास जाकर के बात करें, अगर गैर शादीशुदा है तो उसके घर में माँ है, बाप है, उससे बात करें, कि उसको बुलाया जाए, तब ना जेल की सलाह। अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे, हम उसके घर में नहीं जाएंगे, उसके लोग से मिलेंगे नहीं, तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा, ये जाँच होती रहेगी, लोग घूमते रहेंगे, लास्ट में क्या होगा कि 10 दिन 20 दिन 25 दिन एक महीने के, हम लोग की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत याददाश्त, बहुत कमज़ोर याददाश्त है, बहुत जल्दी हम भूल जाएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं फिर यह हादसा हो जाएगा। दूसरे हादसे का इंतज़ार ना किया जाए, दूसरे लोग को का जुर्म ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में और भी कुछ लोग है, कैसा आदमी बहुत अच्छा था आदमी, ग्रेड जी, वही गली में हम भी रहते हैं जी। ESP हो या DSP हो या जो भी हो, आप लोग से उनसे गुजारिश है कि ऐसा मुजरिम को कड़ा से कड़ा सजा दी जाए, जो जिंदगी में कभी मैंने बाहर नहीं आए, उसका लाइफ टाइम मैंने जेल में सड़ा दे, एकदम सड़ा का ये जालिम जो जो घटना हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस तरीका के बातें हैं, इनके बातें देखने के बाद एक ही चीज़ है, फिर से कहते हैं एरिया जुर्म मुक्त हो, क्राइम मुक्त हो, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस सिर्फ शरीफ आदमी को टॉर्चर ना करे, पुलिस सिर्फ गाड़ी में जा रहा है आप उसको जो है फाइन दे दे रहे, ये ज़रूर कीजिए, मगर उसके साथ साथ मोहल्ला में मुजरिम को भी पकड़िए, जुर्म पेशावर जो मुजरिम है, क्रिमिनल माइंडेड लोग है, जिसकी सोच क्रिमिनल है, ऐसे लोग को भेजिए। आप शरीफ आदमी, हमने जब इस एरिया पता किया, लोग बोला कि लोग गांजा भी पी रहे हैं, कोई नशा भी कर रहे हैं, अगर हम लोग फ़ोन करके पुलिस को थाने फ़ोन करते हैं तो उल्टा वो लोग बता देता है कि फला आदमी ने फ़ोन किया। अब भाई इन्फॉर्मेशन देने वाले का नाम, आम नागरिक का नाम अगर बता दीजिएगा तो बेचारा इन्फॉर्मेशन क्या देगा। तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मामला है, ये ड्रग्स लोग नशे आवर चीज़ें खा करके सारे मामला हो रहे, तो पुलिस को इसके भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और भी कुछ वाकयात होगा, कुछ भी मामला होंगे, और भी इसकी कोई पेशगी होगी, नहीं होगी, कोई भी होगा, तो हम उसको खबर दिखाएंगे। और दीजिए, कैमरामैन जिसान के साथ महबूब रजा सिद्दीकी के साथ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, ताकि एक जो है जिसका कत्ल हो चुका है, मकतूल को इंसाफ मिल सके, और कातिल जेल के सलाखों के पीछे हो, उसको सज़ा दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कलकत्ता पुलिस से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि कातिल को जेल के सलाखों के पीछे। थैंक यू वेरी मच, हम लोग अपने एरिया को जुर्म मुक्त एरिया करें, हम लोग क्राइम मुक्त एरिया करें, और नशा मुक्त भी करें। नशे के हालत में भी बहुत सारा क्राइम हो जाता है, पैसे नहीं रहता, पैसे लेने के लिए जो है वो लोग जो है किसी से उधार ले लेते हैं, या उससे कोई बड़ा जो आदमी होता है, मास्टरमाइंड होता है, वो जुर्म करवा देते हैं, इस किस्म का हादसा। मगर अभी तक उनकी बॉडी नहीं आई है, पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, और भी कुछ रिपोर्ट होगा, कैसे होगा नहीं होगा, हम और भी दिखाएंगे, बात करेंगे, या और भी इसके पीछे और भी कोई रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के भी दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया।
शुक्रिया महबूब रशीद, इजाजत दीजिए, थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now